हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कसोल के बेस्ट दो कैफे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी गुंजल एंड होप यू विल लाइक माय व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ कोई नई प्रॉपर्टी, कोई क्या नई प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अल्पाइन गेस्ट हाउस। ये मेरा दिन का अभी स्टार्टिंग का, मतलब जस्ट मैंने व्लॉग स्टार्ट ही करे हैं एक तरीके से, एंड दिस इज़ द व्यू। बिल्कुल पार्वती वैली के साइड में ये प्रॉपर्टी, एंड आई गेस कि मतलब ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी भरी पड़ी है। कोई मैं आई हूँ दोनों शिवानी और राकेश को लेके, एंड यही आपका आप जो है ना, ये आपका सारा सारा जा रहा है, चलाल ट्रेल जा रही है, और ये आपको पता है कहाँ एंड करती है। अगर नहीं पता तो कमेंट एक बार लास्ट वीडियो चेक करके बताओ। शिवानी को भूख ज़्यादा लगती है। अब रिव्यूज़, ओके गाइस, हम रिव्यूज़ पूछते हैं शिवानी और राकेश से। हम कहाँ गए थे राकेश? चलो अल्पाइन गेस्ट हाउस देखो। इसको तो राकेश को तो कुछ याद रहता ही नहीं है। मैंने अल्पाइन बोला ना वैसे। राकेश के अगर आपने अभी तक प्रैंक वीडियो नहीं देखी तो गाइस मैं लिंक शेयर करूंगी, जाके जरूर देखना, क्योंकि मैं इसको घर से उठाने नहीं वाली थी। शक्ल दिखा रहा राकेश, दी फोटोग्राफर अपनी, इधर तो दिखा दो शक्ल, तो पला दो। रिव्यू कैसा था शिवानी, ध्यान से पीछे देख के? खाना अच्छा था। ओके, शिवानी को आई गेस पास्ता बहुत पसंद है, तो इसलिए शिवानी से पूछते हैं। नहीं, शिवानी कह रही अच्छा था। इंटरेक्ट में लिए मैं आपको बता दी, शिवानी की हरकत आप देख सकते हो। ये शिवानी यही पुरानी है जिसके जिसका चलो कसोल में आप आते हो कभी कभी। ये एक्सपोज हो चुकी है। सो हम गए थे ये हिप्पी टाइप कैफे, जिसका नाम क्या था? जिम मॉरिसन। और उसका फूड लिटरली बहुत लाजवाब था। हम लोगों ने पिज्जा ट्राई किया और शिवानी पिज्जा को खाने के बाद आपको पता चल गया वो यही। ध्यान से देखो ये वीडियो को, ये शिवानी है हमारी। हाँ, सो यार ये घर कितना सुंदर है किसी का, वो पीछे जिम मॉरिसन घर चेक करो यार। शिवानी हम वीडियो बहुत सेक्सी आएगी यार, इस जगह बहुत ही खूबसूरत है ना। अगर आप, मैं तो ऐसे कसोल बहुत आ चुकी हूँ और मुझे लग रहा है मुझे गिम्बल की कैलिब्रेशंस बहुत सीरियस नोट पे करनी पड़ेगी। मैं उसके ध्यान रखना कम कर चुकी हूँ गिम्बल का, कभी मुझे ऐसा फील होता है। रुक शिवानी यहीं पर। सो गाइस, सेकंड बेस्ट प्रॉपर्टी जो मेरी फेवरेट है और जिसका कैफे बहुत अच्छा है, एंड आपने मेरे प्रॉपर्टी के बहुत कुछ देखा होगा, तो हम आ चुके हैं एग्जैक्टली पंचतारा। आई लव दिस प्लेस एंड शिवानी आल्सो लव दिस प्लेस। शिवानी फोन पर है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव फूड। बेसिकली आज हम फूड ही ट्राई कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। शिवानी, दिस इज योर वन ऑफ द फेवरेट फ्रॉम हियर ना? इवन आई डू लव दिस प्लेस। Yes, let's go upstairs. आजा। Hello, Sonia. So guys, इनका ये rooftop area है, और अगर तुम ऊपर की तरफ आ रहे हो और अगर नीचे जा रहे हो तो इनकी decorations बहुत ही सुंदर है। आपको मैं नीचे तो कई बार दिखा चुकी हूँ, तो इस बार मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा देती हूँ। बट अगर आप ये देखो ना, ट्रक वाला थीम, I just loved it. इनका ये नया सा सेटअप हुआ है, ये फ्लावर्स देखो, I love them, this property. अगर अभी तक पंचतारा नहीं आया ना, so you must come here. सेकेंड बेस्ट प्रॉपर्टी, और शिवानी को पीनी थी कॉफी, कोल्ड कॉफी हमारे फोटोग्राफर को पीनी थी। फोटोग्राफर ले लो कोल्ड कॉफी, तुम्हारी फेवरेट। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग, और होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने दो बेस्ट रेस्टोरेंट्स कैफेज आप लोगों को दिखाए, एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी तक कवर नहीं करी कसोल में। सो देर इज लॉट टू कवर,
सो जब जब मैं कसोल आती हूँ कुछ नया कवर करने की कोशिश करती हूँ, बट पंचतान इज समथिंग मतलब जिसने मेरा दिल चुराया हुआ है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप मुझे कमेंट करके आपको दोनों में से पसंद कौन सा आया एंड और भूलना मत 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद आई एम गोना इनवाइट यू फॉर अ प्रॉपर्टी एंड आई एम गोना सेंड यू अ वेरी बिग गिव अवे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो.